दोस्तों धर्मेंद्र कोहली और होदी ईरानी के बीच शानदार कुश्ती हुई और एक समय पर ऐसा लगा कि धर्मेंद्र की आंख में मिट्टी चली गई है, तो उसने कुश्ती रोकने का इशारा किया, रेफरी को नहीं बताया, लेकिन होदी ईरानी ने वही अटैक पट लगकर धर्मेंद्र कोहली को चित किया। इस कुश्ती पर रिव्यू बनाऊंगा, फिलहाल आप भी कमेंट्स में बताइए कि कुश्ती हुई कि नहीं हुई। दोस्तों मिर्जा ईरानी पहलवान चलने लगे, उन्होंने साहिल कोहली को चित किया। सिकंदर पहलवान ने बहादुर गढ़िया परवेश पहलवान को चित किया। और दोस्तों कलवा गुज्जर पहलवान ने लवप्रीत खन्ना को पॉइंट्स पर हराया। दोस्तों रोहतक के शानदार पहलवान सोमवीर ने सोनू कांगड़ा को पॉइंट्स पर हराया। जॉर्जिया के पहलवान के साथ जस्सा पट्टी की कुश्ती हुई और जस्सा पट्टी ने टेडो जॉर्जिया को चित करके समा बांध दिया। होदी ईरानी ने मथुरा के उमेश पहलवान को पॉइंट्स पर हराया। दोस्तों पहलवान अजय गुज्जर बारन ने साहिल पहलवान कोहली को हराया। दोस्तों प्रीतपाल और उमेश की कुश्ती शानदार हुई और उमेश ने कुश्ती के आखिरी में लड़ने से मना किया, अखाड़ा छोड़ा, तो प्रीतपाल पहलवान को जीतू करार दिया गया। मिर्जा ईरानी ने कीर्ति भारोवाल को हराया। दोस्तों जस्सा पट्टी ने दिल्ली के छोटा मोनू पहलवान को हराया। होदी ईरानी ने गोपी लीला को चित किया। दोस्तों सिकंदर शेख बीमार चल रहे हैं, कुछ कुश्तियाँ उनके कैंसिल हुई है। अभी उनकी आखिरी जो कुश्ती हुई थी उसमें उन्होंने मंजीत खत्री को चित किया था। दोस्तों परवेश पहलवान बहादुर का अखाड़ा धुलेता ने अमृतपाल पहलवान गोलबाग अखाड़ा को चित किया। मोनू दिल्ली ने सोनू चीमा पहलवान को पॉइंट्स पर हराया। कमलजीत पहलवान दूमछेड़ी और उमेश पहलवान मथुरा के बीच हुई कुश्ती बराबरी पर छूटी। मेजर डेरा बाबा नानक ने बाज रवणी पहलवान को चित किया। दोस्तों अजय गुज्जर ने प्रिंस कोहली को पॉइंट्स पर हराया। बिनिया जम्मू पहलवान ने चंडीगढ़ के अमित पहलवान अमित चंडीगढ़ को हराया। होदी ईरानी और साहिल कोहली की कुश्ती बराबरी पर छूटी।
दोस्तों एक बार फिर जस्सा पट्टी ने प्रदीप चीका को चित किया। दोस्तों कोहली के धर्मेंद्र पहलवान और ईरान के मिर्जा पहलवान की कुश्ती बराबरी पर छूटी। दोस्तों जस्सा पट्टी ने तीरथ फगवाड़ा को चित किया। दोस्तों मिर्जा ईरानी अब चलने लगे, उन्होंने साहिल कोहली को बाई पॉइंट्स हराया। मोनू दिल्ली और भूपेंद्र रजनाला पहलवान बराबरी पर छूटे। दोस्तों शाने पंजाब परमिंदर धूमछेड़ी पहलवान ने कर्मा पटियाला को चित किया। दोस्तों शानदार पहलवान रवि बेहरा ने बाबा फरीद दीनानगर को चित किया। विकास खन्ना ने ईरान के रेजा पहलवान को चित किया। प्रीतपाल पहलवान और संदीप घोड़ा धूमछेड़ी के बीच कुश्ती हुई। प्रीतपाल फगवाड़ा ने संदीप घोड़ा को चित किया। तो बलकार लल्लिया पहलवान ने अटारी के भोला पहलवान को पॉइंट्स पर हराया। छोटा जस्सा भैरोवाल ने तालिब बाबा फ्लाई के पहलवान को हराया। मंडी हिमाचल के गोपाल पहलवान ने बहादुरगढ़ के सुशील पहलवान को हराया। लल्ली फगवाड़ा पहलवान ने शेरा लल्लिया को चित किया। कोहली अमृतसर के शानवीर पहलवान ने दीवा तोक्का पहलवान को हराया। सैफ अली पहलवान मालेगांव ने सुनील पहलवान उड़ाने को पिंपलेर के कुश्ती दंगल में चित किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक अनुसुईया और आप देख रहे हैं कुश्ती का मेरा चैनल अनुसुईया 1974। तो दोस्तों शुरू करते हैं खबरें जो है ब्रेकिंग न्यूज आज की। और दोस्तों अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में कुश्ती लड़ते हुए एक पहलवान का असमय निधन हो गया है और ये बड़ी दुखद बात है। इससे कुश्ती जगत में शोक की लहर फैल गई है और पहलवान के निधन के कारणों को लेकर कुश्ती जगत में बहुत रोष है और बहुत सारी बातें चल रही है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि दंगल कमेटियाँ जो हिमाचल में कुश्तियाँ कराती हैं, एक तो हिमाचल में कहना चाहूँगा कि पहलवानों का बहुत मान सम्मान होता है। जहाँ जब भी हिमाचल में पहलवान देश भर से पहुंचते हैं तो उनका खाने पीने का प्रबंध या रहने सहने का प्रबंध, उनके मान सम्मान का हिमाचल के लोग बखूबी करते हैं। दंगल कमेटियां भी अच्छा पैसा देती हैं, इसीलिए पहलवान जो है आते हैं वहां पर। और बड़े कुश्ती प्रेमी हिमाचल के लोग बहुत कुश्तियों को देखना चाहते हैं और यही वजह शायद कि दंगल कमेटियां जो है पहलवानों को ज़्यादा से ज़्यादा कुश्ती लड़ाने की कोशिश करती हैं। मैं बताऊं कि छांटी की कुश्तियाँ एक खासतौर पर हिमाचल में होती हैं जो कि टाइटल कुश्तियाँ होती हैं, जैसे छोटी माली, बड़ी माली, बीच की माली, हिमाचल केसरी या भारत केसरी, इस तरह की वो कुश्तियाँ कहते हैं। और उनमें वो ग्रुप बना देते हैं पहलवानों के
और क्वार्टर फाइनल कराते हैं, सेमी फाइनल कराते हैं, फिर फाइनल कराते हैं। तो अब ऐसा होता है कि पहलवान लोग जब आते हैं दूर दराज से, दिल्ली हरियाणा से, राजस्थान एमपी से, महाराष्ट्र से तक, तो वो तो चाहते कि ये कुश्ती हो उनकी, लेकिन हिमाचल की कमेटियां उनके साथ डिस्कशंस करके कुछ इस तरह से कह लो कि मजबूर कर देते, भैया छांटे ये कुश्ती लड़ो, हर कुश्ती पे पैसा मिलेगा, क्वार्टर फाइनल पे कुछ पैसा दे देंगे, सेमीफाइनल पे पैसा दे देंगे, फाइनल में पैसा दे देंगे। तो ये ट्रैप में पहलवान फंस जाता है और वो कुश्तियाँ लड़ता है। और ये मैं बता दूँ आपको कि ये कुश्तियाँ बहुत समय से हो रही हैं और अक्सर पहलवान थक जाते हैं। हिमाचल के जो पहलवान हैं या पंजाब के पहलवान हैं वो लड़ जाते हैं ये कुश्तियाँ, लेकिन जो अकस्टम नहीं है, अब दिल्ली देहात में देखें 10-12 मिनट की कुश्ती होती है, बड़ी कुश्तियाँ हैं, तो वहाँ पर क्या है 20-20 मिनट की कुश्ती हो जाती है और उसके बाद फिर दोबारा मतलब एक जो पहलवान जीतता है, अगर मान लो क्वार्टर फाइनल में पहलवान जीत गया तो सेमीफाइनल का पहलवान तैयार खड़ा है, चल भाई, फिर वही पहलवान अगर सेमीफाइनल में जीत गया तो फाइनल में चल भाई। तो कंटिन्यूसली 2-3 कुश्तियाँ हो जाती है जब, तो ऐसे में पहलवान की जान को खतरा बन जाता है और ऐसे एक्सीडेंट होते रहे हैं, एमपी में भी हमने देखा, हिमाचल में भी अक्सर हो जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है जब किसी पहलवान की मौत हो जाती है, अपने घर का वो चिराग है, उसके माँ बाप ने उसे दंगल देखने, कुश्ती देखने भेजा है, उम्मीद है कि वो अच्छा करके आएगा, प्रदर्शन करेगा अच्छा और कुछ रुपया पैसा घर लेकर आएगा, और जब इस तरह की घटना होती है तो ये बड़ी दुखद होती है। तो हिमाचल के दंगलों में सभी पहलवान बिरादरी, गुरु खलीफा बिरादरी, कुश्ती प्रेमी बिरादरी, दंगल कमेटी उसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कुश्ती का टाइम जो है कम करिए और कोशिश कीजिए कि कोई डॉक्टर हो जो टाइम पर CPR या मतलब दवा दे सके, और पहलवानों को अगर नहीं लड़ना चाहता तो ज़्यादा उसको फोर्स न किया जाए, उसको ट्रैप न किया जाए, और पहलवानों को भी चाहिए कि उनके साथ गुरु खलीफा हो जो उनके कुश्ती को मॉनिटर करता रहे और वो कहे कि भी लड़नी है ये भी लड़नी, खुद भी पहलवान को देखे कि मुझे पैसा ज़्यादा प्यारा है या जान ज़्यादा प्यारी है, अगर नहीं ज़बरदस्ती कर रहे तो अगर भाई मैं कुश्ती में लड़ूंगा, अपना शरीर बताता है कि मेरा शरीर हाथ भर गए हैं या मैं लड़ पा रहा हूँ नहीं लड़ पा रहा हूँ। तो भविष्य में आने वाले समय में ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए, सबको मिलजुल कर ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो।